बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो अपेरेंटली हमें नज़र आती हैं कि क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। इसकी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप देखें, इस किस्म की इक्वेशन a ओवर x प्लस बी प्लस सी ओवर एक्स प्लस डी इज इक्वल टू वन, वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस बी। देखें, एक्स माइनस बी इसलिए नहीं होगा कि अगर एक्स की जगह आपने माइनस बी रख दिया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं है। इसी तरह ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस डी, यानी जैसे ही आपने एक्स की जगह माइनस डी रखा तो माइनस डी प्लस डी जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक्स माइनस बी के बराबर ना हो और एक्स माइनस डी के बराबर ना हो। तो इस किस्म की इक्वेशन जो है ये फर्स्ट टाइप है, जो अपेरेंटली तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और फिर जब हम कन्वर्टेड क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इस सिलसिले में एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखें, 5 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज अगर हम एक्स की जगह 1 डालेंगे यहाँ पर तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 3। जैसे ही एक्स की जगह माइनस 3 डालेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 अवॉइड करना है, वो नहीं आना चाहिए। तो ये ज़ाहरी तौर पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाना है फिर सॉल्व करना। अब आप देखें कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं। आप मुझे बताएं कि इनका एलसीएम क्या आएगा दोनों टर्म्स का, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 3 का एलसीएम क्या आएगा? यस, इनकी प्रोडक्ट, यानी ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, यह आया एलसीएम इनका, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके बाद करना होता है कि एलसीएम को इस पर डिवाइड करना है। जब एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 को एक्स माइनस 1 पर डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा? सिर्फ एक्स प्लस 3 रह जाएगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए ना, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एलसीएम है, इसको डिवाइड करना है किसके ऊपर, तो करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? एक्स प्लस 3 बचेगा। ये जो एक्स प्लस 3 बच गया है इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 3। फिर इसी तरह इसको x प्लस 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ, तो वो रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो रहेगा वैसे का वैसे। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 5x प्लस 15 प्लस x माइनस 1, और ये वाला उधर ले जाते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये समझ आइए, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 3 15, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 रह गया। ये 5x प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा? और फिर प्लस 14, इसको भी मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा? थ्री एक्स। फिर माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस एक्स, माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस थ्री, क्या बना? सिक्स एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये वाला इसमें क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म एक्स स्क्वायर है, इसको आप लेफ्ट साइड पे देखें, तो आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये उस तरफ गया है, जब वापस आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लिख दिया, 6x इधर गया माइनस 6x, 14 इधर गया माइनस 14। जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x क्या आ जाएगा? माइनस 4x,
माइनस 13 माइनस 14 माइनस 17, ठीक है। अब अभी तक तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी जो कि क्वाड्रेटिक नहीं लग रही थी उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जो आई है ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए क्या कहते हैं? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। जो इक्वेशन रिड्यूस क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद आप इसकी फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें। ये 17 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स तो सिर्फ 1 और 17 ही बनेंगे, इसके अलावा तो बन नहीं सकते। और 1 और 17 से ये तो नहीं आएगा -4, लिहाजा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमें पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। आपको पता है ए क्या है? जी ए इज इक्वल टू 1, ए होता है एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट और बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट जो एक्स के साथ लगा हुआ है। एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? -4। और जो सेपरेट पड़ा हुआ है वो है सी, ए 1 बी -4 और सी -17। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यही है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करनी है, फिर लाजमी तौर पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़रूर लिखना है, उसके मार्क्स होते हैं। अब आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी की जो आपके पास वैल्यूज हैं पुट कर दें तो बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? -4 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है? -4। ए की वैल्यू क्या है? 1 और सी की वैल्यू क्या है? -17 ओवर 2 × 1 क्या बना? 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस जी क्या बनेगा? 17 × 4 = 17 × 2 = क्या होता है? चेक करें जरा, 34 और फिर 68 ओवर 2। नेक्स्ट जी 4 प्लस माइनस 68 प्लस 6 74 और 84 ओवर 2। ये वैसे 84 जो है 4 पे डिवाइड हो जाता है, 4 प्लस माइनस 4 इंटू क्या आएगा भला? 4 अंडर रूट से बाहर ले आए, 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट इंटू 21 अंडर रूट ओवर 2। ये जो 4 अंडर रूट बाहर आके क्या रह जाएगा? 4 प्लस माइनस 2। मैंने पहले 84 में से एक 4 फैक्टर कॉमन निकाला जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 4 अंडर रूट समेत बाहर आ गया, 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल लें, 2 प्लस माइनस 21 अंडर रूट ओवर 2। ये 2 कैंसिल हुआ, x की वैल्यूज क्या आ गई हैं? 2 प्लस माइनस 21 अंडर रूट। अगर आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है तो फिर आप इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 21। और इसकी और फॉर्म भी है, 2 प्लस अंडर रूट 21 कॉमा 2 माइनस अंडर रूट 21, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है।
क्या स्टेप्स थे? गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी, फर्स्ट टाइप है, इसका एलसीएम लेके ही क्वाड्रेटिक बन जाएगी। हमने एलसीएम लिया, सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 1 over x minus 1 plus 2 over x minus 2 over 3 into x minus 3, क्या करना है जी? लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम, वो आना है x minus 1 into x minus 2। अच्छा, अब x minus 1 into x minus 2 को x minus 1 पे डिवाइड करें, बाकी बचेगा x minus 2, उसको 1 से मल्टीप्लाई करा दें, x minus 1 into x minus 2 को डिवाइड करें x minus 2 पे, बाकी बचेगा x minus 1, उसे 2 से मल्टीप्लाई करा दें। क्या हुआ? ये x minus 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, x minus 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ? 2 के साथ। तो इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x minus 2 plus 2x minus 2 over x minus 1 into x minus 2। ये x और ये प्लस 2x किसके बराबर हो जाएगा? ऐड करके 3x, -2 और -2 -4 over x minus 1 into x minus 2 is equal to 3 over x minus 3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है और इसने उससे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3x minus 4 into x minus 3 is equal to 3 into x minus 1 into x minus 2। 3x minus 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x minus 3, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x minus 1 into x minus 2। अब अभी तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब 3x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 3x square। जब 3x को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे -9x, -4 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे -4x, -4 को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे +12। इधर आपके पास 3x को x से मल्टीप्लाई कराया x square, x को -2 से मल्टीप्लाई कराया -2x, -1 को मल्टीप्लाई कराया x के साथ तो -x, -1 को -2 से मल्टीप्लाई कराया तो +2। ये बना 3x square -9x और -4x, क्या बनेगा? -13x +12। इधर क्या बनता है? 3x square -6x, 3x square -6x, बल्कि ये -2 और -1 -3 हो जाएगा, ये -9x बन जाएगा +6। ये ज़रा समझ लें, 3 into x square -2x -x -3x और -3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे -9x बन जाएगा, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आ जाएगा। अब दोनों तरफ से 3x square तो कट जाता ना, ये 3x square कैंसिल हो जाता है, आपके पास बचता क्या है? -13x + 12, राइट साइड पे -9x + 6 -9x + 6 -13x + 12 -9x + 6।
अब ये बनता है माइनस 13x माइनस 9x, इधर आगे क्या होता है 9x, ये बचता है 6 और माइनस 12, उधर जाके क्या बनता है माइनस 12, माइनस 13x और वो माइनस 9x प्लस 9x, ये 6 और ये 12 उधर जाके माइनस 12। जी ये माइनस 13x प्लस 9x क्या बनेगा, माइनस 4x माइनस 6, दोनों तरफ से नेगेटिव साइन कॉमन हो जाएगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के ही क्वाड्रेटिक टर्म गायब होगी और एक्स की वैल्यू लीनियर इक्वेशन से निकल रही है। तो ये बना एक्स इज इक्वल टू 6/4 या फिर एक्स इज इक्वल टू 3/2। इसका जब सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा उसमें सिर्फ ये 3/2 लिखा जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म का सेकंड टाइप है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखिए क्या है, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स इज इक्वल टू सी वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये सेकंड टाइप आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट किया है। तो सॉल्यूशन देखें इसका क्या होगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड का वंस अगेन एलसीएम ही लेना है। ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखें बेसिकली तो ये यूं है, ये जो एक्स लिखा हुआ है ये बेसिकली एक्स ओवर 1 है, माइनस 45/x इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब 1 और एक्स का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आता है, एक्स एक्स को 1 पे डिवाइड करें एक्स आता है, उस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराएं तो एक्स को एक्स पे डिवाइड करें तो 1 आता है, उसको -45 से मल्टीप्लाई कराएं तो, और इधर क्या आ जाएगा -4। जी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस एक्स ने उधर जाना है, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 4x, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है कि इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, क्या होते हैं 5×9=45, तो वो बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 9 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस 45 आता है, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता है। ये पहली दो टर्म्स में क्या होगा, एक्स कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा एक्स प्लस 9, दूसरी में से 5 कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, बाकी रह गया एक्स प्लस 9, इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन लिया तो बाकी रह गया एक्स प्लस 9, यहाँ इन दोनों में से एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 9 कॉमन लिया बाकी रह गया एक्स माइनस 5। जी क्या बना फिर यहाँ पे, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू माइनस 9। सॉल्यूशन सेट फिर क्या आएगा, माइनस 9 एंड 5। अब क्या इस टाइप का कोई और क्वेश्चन मैंने करवाना है या खुद करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे।
तो चलें कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको कहा कि आप खुद करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट टाइप्स जो हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।